हरियाणा में ठगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे, जहां लगातार ठगी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। सोनीपत में भी एक किसान से उसके बेटे को सरकारी अफसर बनाने के नाम पर एक महिला व उसके दामाद ने 10 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित किसान अब न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गया है, लेकिन उसे सोनीपत पुलिस से कोई मदद नहीं मिल रही है। वहीं इस पूरे मामले पर सोनीपत हेडक्वार्टर DSP जितेंद्र कुमार ने बताया कि उनके संज्ञान में मामला आया है और दोनों पक्षों को बुला लिया गया है। उन्होंने कहा कि तथ्यों के आधार पर कानूनी कार्यवाही बहुत जल्द की जाएगी, जल्द ही मामलों में मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। बता दें कि सोनीपत के गांव हुलहेड़ी के रहने वाले किसान सतपाल को अपने बेटे के लिए सरकारी नौकरी की चाहत ने ठगी का शिकार बना दिया। ठगी की इस घटना पर सतपाल ने बताया कि वह एक किसान है और अपने बेटे विकास को अच्छा जीवन यापन करने के लिए सरकारी नौकरी लगवाना चाहता था। ऐसे ही समय में एक महिला और उसका दामाद उसके पास आए और उसके बेटे को रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर उससे 10 लाख रुपयों की डिमांड की। बेटे को सरकारी नौकरी मिल जाएगी सोचकर सतपाल ने उन्हें 10 लाख रुपए दे दिए। इसके बाद दोनों ठग उसके बेटे को लखनऊ ले गए और उसे फर्जी आईडी कार्ड व नियुक्ति पत्र भी दे दिए गए। किसान और उसके बेटे को जल्द ही ज्ञात हो गया कि वे ठगी के शिकार हो गए हैं। पीड़ित किसान ने कहा कि वह पिछले एक महीने से सदर थाना से लेकर SP ऑफिस तक चक्कर काट चुका है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा है। किसान ने कहा कि अब वह गृह मंत्री अनिल विज से न्याय दिलाने की अपील भी करेगा। सर कैसे, क्या मामला हुआ आपके साथ, क्या हुआ? मेरे पास पैसे लेने के लिए आया, तेरे बच्चों को नौकरी दिलवा दूंगी मैं, मना मना किया, वो बार बार आती थी, फिर मना मना कर दिया, फिर आई। मैंने भी सोचा भी मेरे बच्चे की जिंदगी बन जाएगी, खेती करूँ हूँ, दे दूंगा। तो उसका दामाद सुमन थी, चले गए एक सरपंच मेरे घर पे आई, उसका दामाद आया मनजीत, मेरे घर से पैसे ले गए, लड़कियों को ले गए, लखनऊ ले गए। वहाँ उन्होंने नौकरी दिलाने का कहा भाई रेलवे में नौकरी दिलाएंगे। फिर 5 दिन के बाद फोन आया, रेलवे में तो नहीं मिलती है, सब इंस्पेक्टरी मिलेगी अगली कर्तर में। तो माँ चल इसमें करवा दे, वो बोले 10 लाख रुपए लगेंगे। माँ चल दे दूंगा, 10 लाख भी दे दूंगा। मैंने 4 लाख पहले दिए, 6 लाख पे बाद में दिए, 10 लाख रुपए ले गए। 2.5 साल हो गए, ये कागज हैं, ये सेल लेटर हैं, जो भी कुछ है ये फर्जी दे रखा है, सब कुछ फर्जी मिला, सब कुछ फर्जी मिला। ड्यूटी ज्वाइन करवाने के लिए लखनऊ ले गए थे, लखनऊ भी गए थे, हरदोई भी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करवाई उन्होंने। फिर वो रात को भेज दिया लड़का, वो हरदोई अब वहाँ ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेगी। फिर मैंने उसे कहा भी तने 1 लाख क्यों भेज दिया, वो लड़का बोली नहीं कुछ नहीं, मैं वो बदमाश एरिया, मैं सुबह जाकर मैं ज्वाइन नहीं कराऊंगा। तो उन्होंने लड़का उसी टाइम उल्टा लखनऊ बुला लिया। फिर वे बोले कहा हमें सहनपुर बदली करवा कर वहीं ज्वाइन नहीं करवाएंगे उसकी, वो सहनपुर भी नहीं गया। फिर वे लोकल पायलट में देने लगे, फिर ये टिकट ये पास ये सब कुछ बना रखे, ये देखा तो फिर सब कुछ फर्जी पाया, ज्वाइनिंग लेटर दे रखे, कागज ओरिजिनल पाँव है और वो सब कुछ फर्जी पाव है। इतना तो मेरी वो पुलिस वाले सुन रहे, CM बिंडो को मन्ने दे ली, अनिल साहब गृह मंत्री को मन्ने दे ली, SP को मन्ने दे ली, DSP को मन्ने दे ली, सोनीपत पुलिस मेरी सुनती है नहीं। देखिए इस मामले में अभी मेरे संज्ञान में मामला आया था, मैंने अभी इकोनॉमिक सेल इंचार्ज से बात भी की है, उनके पास दोनों पक्ष आए हुए हैं और इस पे जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। सर रेलवे में बेटे को लगवाने के लिए किसी महिला ने उससे 10 लाख रुपए की ठगी की है और उसको आई कार्ड अथॉरिटी लेटर ज्वाइनिंग लेटर सब कुछ उसको दिए गए हैं। देखिए जो भी तथ्य उनके द्वारा जो भी एविडेंस दिए गए हैं उनको एनालिसिस करके और रिपोर्ट बना के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। सर जो भी तथ्यों के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। सर शिकायत करता है एक महीने से पुलिस के सदर थाना की बात करें या CM इंडो के DSP SP सबसे मिला पर अभी तक का कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए अगर ऐसा है कि एक महीने से जांच नहीं की गई है तो उस चीज़ का भी मैं देखूंगा कि उसमें किसकी लापरवाही है, पर जो भी हमारे निर्देश हैं वो यही हैं कि इसमें अपना जो भी तथ्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाए और वो जल्दी की जाएगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।